नंदो हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। जिंदगी बर्बाद कर दी गई थी। परमाणु बॉम्ब के प्रभाव से फैलते हुए रेडिएशन के कारण एक जनरेशन की जान को खतरा है, ये साबित करने वाला हादसा था। जापान में हुए त्सुनामी के कारण फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट फट गया। दोबारा से फैला रेडिएशन, रेडिएशन के कारण औरतों के गर्भ में हानि पहुंची, रेडिएशन के कारण बच्चे पैदा नहीं हो सकते, ऐसा कहने वाला था मेडिकल साइंस। इस समस्या का हल जापान ने कैसे निकाला, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। Yes.
हमारी फिल्म रिलीज कर रहे हैं ना, अभी अभी क्लाइमेक्स देखा। क्या कमाल का प्रिंट आया है देखा तूने? आखिरी में जो सीन है ना, कसम से फाड़ डाला। इतना बेदर्द हूँ फिर भी मुझे रोना आ गया। अब मैटर ये है कि अगर 5 करोड़ तुमने भेजा तो हार्ड डिस्क सेफ्टी तुम्हें दे दूंगा, नहीं तो तुम्हारी इस फिल्म को ऑनलाइन पे लीक कर दूंगा। दिन 200 लोग रात भर दिन भर मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर बनता है सिनेमा। फोन नीचे रख। एक डायरेक्टर के सपने को, एक प्रोड्यूसर की जिंदगी को, हजारों लोगों के भविष्य को ऑनलाइन बेच दिया तूने। पैसों से नहीं, पैशन से बनता है सिनेमा। इसे बनाने के लिए कितने भी दुख सहेंगे, सिनेमा बनाने वालों के रास्ते में आए तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चेंजेस नहीं चाहिए, पर मैं मदर बनना चाहती हूँ। कैन यू हेल्प मी? ऑफ कोर्स वी कैन। दिस इज कॉल्ड सरोगेसी। हाउ डज इट वर्क? वेरी सिंपल। सी देयर, तुमसे जो एग्स लेंगे उसे तुम्हारे हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करेंगे, रिप्रोड्यूस हुए एम्ब्रॉय को जेस्टेशनल सरोगेट यूट्रस में डिपॉजिट करेंगे, मतलब सरोगेट मॉम के पेट में। वो प्रेग्नेंट होगी और आप पेरेंट्स बन जाएंगे। अच्छा है ना? हाँ, पेरेंट्स उसे होगा और बेबी हमारा होगा। But it's an expensive process. कितना होगा? Around 75 lakhs. No problem. It works for us. Yeah. One second. एक बार जो surrogate mother baby को delivery देने वाली उससे मिल सकते हैं? No, I'm sorry. ये rules के खिलाफ है. पर इतना spend करने के बाद वो औरत आखिर दिखती कैसी है? ये जाने बिना हम कैसे proceed करें? We just want to meet her once. Okay. Yeah.
शंकर, ये लोग तुमसे मिलने आए हैं। हेलो, आप लोग बात कीजिए। नमस्ते। नमस्ते मैडम, आपका नाम क्या है? संध्या मैडम। इस प्रोसेस के लिए आपको कितने पैसे मिलते हैं? कितना देंगे? बस 50,000। और? दो वक्त का खाना देते हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे सोते हैं। 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है जी, बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं है। कौन कहां कहां से आया है कुछ भी पता नहीं है जी। कोख में बच्चा पालने से औरत माँ बनती है, पर कोख खरीदने से भी माँ बन सकती है। ये है नया ट्रेंड जिसे कहते हैं सरोगेसी। क्या बात है, थैंक यू। औरतों की कोख को बेचकर कुछ डॉक्टर्स पैसे कमा रहे हैं। उनके पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनसे लाखों रुपए लेकर सिर्फ 50,000 रुपए देकर इन औरतों का शोषण किया जा रहा है। ओके सर, आज तुम्हें भेजना ही होगा। हाँ मैं भेज दूंगा सर, बाद में कॉल करना। श्योर सर। फिर से इडली माँ, अब ये महंगे टैबलेट की तरह लगने लगी है। वो सफेद और गोल जो है वो दो ना माँ। ठीक है, अभी खा लो। जल्दबाजी करने की बजाय 1 घंटा पहले नहीं उठ सकते? सिनेमा जाना हो तो 6 बजे उठ जाते हो। सिनेमा नहीं माँ, बॉस का सिनेमा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिलने वाला जो किक होता है ना, वो फर्स्ट रैंक मिलने पर भी नहीं मिलता है माँ। सुनो, जो तनख्वाह देते हैं उस बॉस के बारे में सोचोगे ना तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे, वरना हमेशा ऐसे ही रह जाओगे, समझे? पैशन और प्रोफेशन को मत मिलाओ। 1 हफ्ते में 100 करोड़ कमा लिए हैं माँ। हाँ जाओ। वैसे ये सब तुम्हें समझ में नहीं आने वाला। बस करो बढ़ाई दीदी। एवरेज सिनेमा को पकड़कर 100 करोड़ 1000 करोड़ कह के दिमाग मत खराब करो भाई। तुम हार गए हो, पहले मेरे बेट के 500 रुपए निकालो। अरे काहे का 500, लास्ट टाइम मेरे साथ क्रिकेट खेल के हार गई थी ना, अब बराबर हो गया है। ए झूठा कहीं का, क्रिकेट और सिनेमा के बीच क्या संबंध? संबंध है ना। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारा बेटिंग का पैसा क्रिकेट में भी चुकता करती हूँ। अच्छा बिल्डअप बहुत दे दिया, बॉल डाल। ये क्या, आते ही शुरू हो गई ना तू। वैसे भी तुझसे कहने का कोई फायदा नहीं, तेरे पति से ही बात करनी। ओए मेरा पति सोना है सोना, तुम जाके तुम्हारे पति को क्या चाहिए देख लो। तुम बॉल डालो माँ, बॉल दो ना। अरे दो ना, दे दो ना माँ। तुम लोग नहीं सुधरोगे। डाल बॉल डाल। कटा हुआ पेड़ कितना भी सुंदर दिखता हो, उसका फायदा क्या? बच्चे तो पैदा नहीं कर सकती ना। किसी दिन मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा के रहूंगी, देख लेना। दीदी क्या हुआ? दीदी कुछ नहीं रे, आंखों में कुछ चला गया लगता है। ठीक है। अरे मेरी लाडली। पापा तुम लोग कब आए और दामाद जी कहाँ हैं? वो मुझे छोड़ के ऑफिस चले गए, शाम को जल्दी आएंगे। अच्छा। कहा है? हाँ यहाँ पर चाय पियेंगे ना, बढ़िया सी। भाई है? दो चाय देना भाई। अरे दो नहीं, 4 चाय दो। हाँ, ठीक है। उन्हें भी दे दो। बदन दर्द हो या सिर दर्द हो, किसी भी तरह का दर्द होने पे पंच तुलसी इस्तेमाल करो, चुटकी में गायब। ए क्या है रे ये सब? जैसे रोड पर सब लोग सब्जी बेचते हैं, वैसे ये भी कहीं पर भी दुकान खोल करके बैठ जाता है। ए, मैनेजर ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। क्या मुसीबत है, टारगेट कंप्लीट की मैंने चाय भी नहीं पीने देगा। ठीक है यार बाय। चाचा चाय। हाँ ये लो, लाओ भाई लो, पकड़ो। क्यों बे क्या अपडेट्स है? डिकोडिन प्रमोशन के लिए मैं कोयल हॉस्पिटल गया था। इनफर्टिलिटी के लिए कोई नया ट्रीटमेंट आया है, डॉक्टर सब फुल बिजी है, इसीलिए मैं चिढ़ के ऑफिस आ गया। फ्रेंड्स इस मंथ हमारे सारे टारगेट्स इनकम्प्लीट हैं। ऐसे ही अगर नेक्स्ट मंथ भी कंटिन्यू हुआ तो सभी को दूसरा जॉब ढूंढना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? नो सर। कैसे हो सकता है सर? नो सर। नानी एंड टीम संध्या थिएटर के सामने वाले हॉस्पिटल में तुम जाओ। ओके ओके सर। सीनू एंड टीम दिशु नगर के कोना थिएटर के बगल वाले हॉस्पिटल में। ओके सर। प्रवीण ये हमेशा थिएटर का नाम बताता है पर हॉस्पिटल का नाम नहीं बताता। ए सॉरी
प्रवीण, कुबिटपल्ली के अर्जुन थिएटर के ऑपोजिट वाले हॉस्पिटल में तुम जाओगे, ओके? ओके सर। और बेलमलागर के हॉस्पिटल में कौन जाए? वहाँ कोई थिएटर नहीं है। सर। In my cabin. सर सर सर। सर। अभी हमारे मेडिकल फील्ड में कितना कंपटीशन है पता है ना? सर। ऐसे में ऑफिस को मैनेज करने के लिए मेहनत करनी होगी ना? सर। Yes, your guess is right. You're appointed as the area manager. Thank you sir. Thank you so much. By the way, अभी सर, दिस इज अ ब्यूटी एनहेंसिंग पिल सर, ये अभी तक मार्केट में रिलीज नहीं हुई है सर, तो आगे होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हमें इसे प्रमोट करना होगा। या और आज के बाद ऑफिस के साथ साथ दिस रूम इज आल्सो योर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। केस के बारे में पता है ना? एक मिनट सर। ओके। हाँ अभी यहाँ पे पंजकुटा सिग्नल के पास किसी लड़की को किडनैप किया गया है पापा। किडनैप किया है? उस गाड़ी का नंबर तुमने देखा क्या? हाँ पापा, AP 28 DB 2110। अभी इस नंबर का कोई भी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसा क्या? अभी तुम चिंता मत करो, CC फुटेज देख करके मैं ट्रैक करता हूँ। डोंट वरी। ठीक है पापा। कौन से क्रैकर हो? कोई क्रैकर नहीं, एथिकल हैकर। हाँ, जो भी हो जीजू, आपको मेरी एक बड़ी मदद करनी होगी। कैसी मदद? वो अपना चंदू है ना, 2 साल से बिना पैसे दिए बच रहा है, वो कहाँ है ये ट्रेस करके आपको बताना होगा। नंबर बोलो। 9642333311। ये लो। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पड़ोस में रहके फॉरेन में हूँ ऐसा बोलता है। तुझे कितने पैसे देने हैं उसे? 1 लाख। इतने पैसे कहाँ से आ गए? वो देगा तो आएगा ना। क्या कहा? उसने 1 महीने के लिए 1 लाख उधार मांगा था, 2 महीने से गोली दे रहा है। अबे तेरी तो। आप कमाल है जीजू, 2 महीने से उसे पकड़ नहीं पाया और आपने 2 मिनट में उसका पता लगा लिया। सभी के प्रॉब्लम्स मैं इजीली सॉल्व कर देता हूँ, बस अपना ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। जीजू, दीदी पर तुमको कभी गुस्सा नहीं आता है क्या? क्यों नहीं आता होगा, मुझे इतना प्यार करने वाली तुम्हारी बहन, लेकिन मैं तुम्हारी बहन से उतना प्यार नहीं कर पा रहा हूं, तब मुझे बुरा लगता है। पूरी दुनिया जब उसे बांझ बांझ कह करके बुलाती है, तो चुपचाप देखने वाले उस भगवान पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों जीजू? पैदा होगा तो एक ही, पैदा नहीं होगा तो पूरी दुनिया हमारे बच्चे ही है, किसी ना किसी बच्चे को तो गोद ले सकते हो ना जीजू? मेरे पिता फिर से पैदा होंगे, यही मेरी माँ का अंधविश्वास है। कभी बच्चा गोद लेने के लिए कहा तो वो नहीं मानी। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ समझ नहीं आ रहा है। डिकोडिंग प्रमोशन के लिए मैं कोयल हॉस्पिटल गया था। इनफर्टिलिटी के लिए कोई नया ट्रीटमेंट आया है, डॉक्टर सब फुल बिजी थे। जीजू,
इस बीच मैंने एक हॉस्पिटल के बारे में सुना था, इनफर्टिलिटी से संबंधित किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऐसा कहते हैं। एक बार जाके आते हैं ना जीजू, प्लीज। बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं पर अब तक बच्चा नहीं हुआ। हमने बहुत हॉस्पिटल में दिखाया, किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ हमें। इसे एग रिलीज का प्रॉब्लम है ऐसा सबने बताया। आपके पास किसी नए ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ऐसा पता चला हमें, इसलिए हम यहाँ आए। रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल ही है, नो प्रॉब्लम। आपके पेरेंट्स बनने के चांस 100% है। बट इस ट्रीटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 4 to 5 weeks लगेंगे। ठीक है डॉक्टर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, शी विल टेक केयर नाउ। क्या हुआ दीदी? डॉक्टर साहब ने सब ठीक है ऐसा कहा। चलो। हर साल की तरह इस साल भी देश भर की कई सारी लड़कियां इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हैं। सारी लड़कियां आ चुकी हैं और फाइनल रिजल्ट जल्द ही आप सबके सामने होगा। सिर्फ विनर्स और रनर्स अप ही नहीं, फाइनल में जितनी भी लड़कियां सिलेक्ट होंगी उन सबको जॉब दी जाएगी, ये इनकी स्पेशलिटी है। मलिकासी पेट से एनजीओ ट्रस्ट के फाउंडर और आज के चीफ गेस्ट सुपरस्टार शिवाजी आने वाले हैं। ये हमारे लिए चैलेंजिंग प्रोडक्ट है, यहाँ आई हुई हर लड़की के पास हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। okay. एक भी लड़की मिस नहीं होनी चाहिए। ओके, ये लो मैडम, तुम भी लो, ये लो पकड़ो। मैम नहीं चाहिए। ये लो, देखिए ना, इसे पकड़ो। ये यहाँ पे कैसे? जरा पकड़ना इसे, एक मिनट। मैं सब संभाल लूंगा, तू टेंशन मत ले। हे, कैमरा रेडी करने को कहा था ना, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, हे, कैमरा यहीं पे है, अभी जाके लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, उस दिन पंचकुटा सर्कल में किडनैप? ओह, वो वीडियो आपने भी देखा क्या? वीडियो था? वो वीडियो सोशल मीडिया पर कितना वायरल हो रहा है, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना आपकी तरह सब मुझे पहचान लेते हैं। वीडियो कैसा? एक लड़की जब बीच रास्ते से किडनैप होती है तो पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है ये पता लगाने के लिए हमने एक प्रैंक वीडियो बनाया। चार लड़कों ने एक लड़की को बीच रास्ते से किडनैप किया, उस लड़की के साथ क्या किया होगा, उसे कितना टॉर्चर किया होगा, मैं कितना टेंशन में आ गया था तुम्हें पता है? किसी भी लड़की को देखता था तो तुम ही याद आती थी। 24 घंटे मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। तुम्हारे चैनल के रेटिंग के लिए जनता के इमोशंस के साथ मत खेलो, जनता को एजुकेट करो, ऐसे उल्लू मत बनाओ, हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोबारा ऐसा वीडियो का प्लान किया ना तो तुम्हें मार के वहीं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, समझे? पूरा वायरल हो जाएगा। वेलकम टू सुपरस्टार एनजीआर मेमोरियल ट्रस्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अ वार्म वेलकम टू आवर सुपरस्टार शिवाजी। द ग्रैंड फिनाले विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। Give a big round of applause to Shivaji.
Now it's time to announce Miss Andhra Pradesh, Miss Supriya. And now, Miss Telangana, Miss Prasanna. पूरी दुनिया सिंगल स्क्रीन थिएटर है, पर मैं इस दुनिया का मल्टी स्क्रीन थिएटर हूं। पापा जी हमेशा कहते थे उनके सुपरस्टार बनने का कारण औरतें ही थी। इसीलिए पापा जी को समर्थन देने वाले आप सभी के लिए ये कॉन्टेस्ट मैंने स्टार्ट किया है। यू हैव टू रॉक इन दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ऑल द बेस्ट, लव यू। इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे तो क्या बोलूं? अर्जेंटली बोला कि तू ये क्या कर रहा है यार, जितना बिल्डअप दिया है उतना काफी है, चला बाहर। मैं बिल्डअप दे रहा हूँ क्या? किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने वाला फेमस हो जाता है, चाहे चिरंजीवी हो, धोनी हो या अंबानी, लेकिन प्यार के मामले में फेल होने वाला ही फेमस होता है, चाहे देवदास हो, मजनू हो, चाहे तेरा दोस्त तुलसी हो। यार क्या प्रॉब्लम है इसके? वही यार, रिमी से इसका पैकअप हो गया। ए अरे वही यार, ब्रेकअप हो गया। प्लीज रिस्पेक्ट यार, कुछ भी हो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है यार। मैंने उसे कितना गिफ्ट दिया, कितना लिफ्ट दिया, और उसने मुझे बड़ा ट्विस्ट दिया। लड़कियां ऐसी होती रे, खरीदने के लिए बोलो तो बोलती है कुछ नहीं चाहिए, और खरीद दूंगा बोलो तो सब चाहिए। करेक्ट भाई, इसे एक बियर और दे यार। थैंक्स भाई। वैसे तूने क्या डिसाइड किया है? किसी को अगर ब्रेकअप करना हो तो फोन बुक से नंबर डिलीट कर देता है, फेसबुक में अनफ्रेंड कर देता है, व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देता है, पर ये क्या कर रहा है? सारे गिफ्ट्स वापस मांग रहा है। हाँ तुम लोग चाहे मेरा साथ दो या ना दो, मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। ये हर प्रेमी के लिए एक रेवोल्यूशन है। इसकी क्या जरूरत है यार? क्या जरूरत है? जरा वहाँ देख, फर्स्ट बेंच से लेकर लास्ट बेंच तक जितने भी लोग बैठे हुए ना, सारे लोग किसी न किसी से धोखा खाए हुए हैं यार। प्लीज फ्रेंड्स, कम से कम आप लोग तो इन्हें समझाइए। ये नहीं सुधरेगा। वैसे क्या क्या गिफ्ट दिए हैं? इतना कुछ? और भी एक चीज है। और वो क्या? अभी जो ड्रेस पहना है वो भी उसने ही दिया है। पूरा का पूरा निचोड़ लिया ना तूने? गिफ्ट लेना हम लड़कियों का हक बनता है, ऐसे कैसे छोड़ दूं उसे? देखो उस बदमाश का ही फोन आ रहा है। हेलो, ओए पैक कर दिया क्या? लोकेशन व्हाट्सएप करती हूँ, आकर ले जाओ सामान। हेलो, देने के लिए मैं आया था ना, वापस करने के लिए तू आएगी? हाँ धूप में वेट करवा रहा है। और कितना टाइम लेगा ये? बस 5 मिनट रुक जाना, वो आ ही रहा होगा। आ गया। ये यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ कैसे? और एक प्रैंक वीडियो बना रही हो? कैमरा कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं है। भाई क्यों रे, बॉयफ्रेंड को बियर की बोतल समझे क्या, पी के फेंक देगी? हाँ, बियर की बोतल की भी ना कोई वैल्यू होती है, तेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा वैल्यू के बारे में तू बात करेगी क्या? तुझे प्यार करने के लिए बाहर से लड़का है क्या? शादी करने के लिए अमेरिकन चाहिए क्या? देख तुझे एक बात बताता हूँ, याद रख, ग्रीन कार्ड के पीछे पड़ेगी तो बर्बाद हो जाएगी, मेरे जैसे आधार कार्ड को अपना जिंदगी समझ जाएगी। बाबा क्या जोक है, तेरे दिए हुए सारे गिफ्ट ना बेकार है, मैंने जो गिफ्ट दिया ना वो देख। क्या दिया तुमने? कुछ भी मांगो तो शादी के बाद, शादी के बाद एक किस तक दिया क्या? ए बस कर, तुम सेट नहीं हो तो म्यूचुअली बात करके जुड़ा होना चाहिए, लेकिन इस तरह झगड़ा करके नहीं। तुम अपने गिफ्ट्स वापस ले सकते हो, पर मेमोरीज वापस ले सकते हो क्या? रिलेशनशिप को बेटर नोट से एंड करना चाहिए, बेटर नहीं। अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए जब चाहो ब्रेकअप करके प्यार की वैल्यू कम मत करो। बैचलर का घर तो नहीं लग रहा है। बेबी वो फोटो देखो, कहीं ये शादीशुदा तो नहीं है? ऐसी अपशकुन बातें मत करो, चलो अभी अभी। घर इतना साफ सुथरा है मतलब जरूर ये शादीशुदा है। अपनी जुबान को लगाम दो। अभी ए कौन हो तुम लोग, ऐसे बिना पूछे अंदर ही आ गए? जो मैं उम्मीद कर रहा था बिल्कुल सच है। ओए
कौन हो पूछ रही हूँ तो ऐसे आपस में क्या बात कर रहे हो तुम लोग? वैसे तुम कौन हो? हाँ, तुम अभी जिस अभी को बुला रही थी उसकी बहन हूँ मैं। ये बंदर जैसे क्यों कूद रहे हो? पहले ये बताओ तुम हो कौन? मेरा नाम है मेघा, हाइट 5.5, वेट 55, ब्लैक हेयर, तमन्ना से भी ज्यादा फेयर। अच्छा, वैसे अभी से क्या काम है तुम्हारा? वन साइड लव है, आप थोड़ी सी हेल्प कीजिए ना दीदी। वैसे तुम काम क्या करती हो? टीवी चैनल में काम करती हूँ मैं। चैनल का काम नहीं, घर का काम। आता है कुछ करना? हाँ बताइए ना, जो बोलेंगी वो करूंगी। पूरा घर क्लीन करना होगा, करोगी? क्लीनिंग? ओके। डोसा ला रही हूँ। चाय रेडी है। कपड़े धोने? अच्छा, एक लड़की को एक घर की बहू बनना है तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। वैसे हमारा अभी तुम्हें क्यों पसंद है? उसके गुस्से में क्लैरिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक अनजान लड़की बीच रास्ते से किडनैप हो गई तो उसके लिए वो बुरा फील कर रहा था। ऐसा लड़का बताइए कहाँ मिलेगा? आपका भाई लड़की की पूरी जाति को बहुत रिस्पेक्ट देता है। एक लड़की को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आजकल तो सोसाइटी में ऐसे लड़के बहुत ही कम मिलते हैं। बहुत ही रेयर पीस है आपका भाई। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अप्रोच करूं, इसलिए आपसे हेल्प मांगने आई। अभी को अप्रोच करना है तो पहले अभी के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। एक काम करो, यहीं पे रह के ट्राई करो। यहाँ रह सकती हूँ मैं? मैं कहूंगी तो रह सकती हूँ। जरा ऊपर की तरफ उठना। इम्यूनिटी बहुत वीक थी इसलिए ट्रीटमेंट बॉडी सह नहीं पाई, इसलिए
पेशेंट कोमा में चला गया। ट्रीटमेंट में ये सब कॉमन है। पेशेंट को ठीक होने में एक महीने में लग सकते हैं, एक साल भी लग सकता है, मर भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, अभी तक मरी तो नहीं है ना। हॉस्पिटल को मंदिर और डॉक्टर को भगवान समझकर लोग यहाँ पर आते हैं। पेशेंट की जिंदगी के साथ खेलने वाला नहीं बचाने वाला होता है डॉक्टर। उठाओ इसे। ए, चल, चल, चलो, चल, चल, ले चलो। सर, सर, ए, सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। चल, चल, अभी, चल, अभी, चल, 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 चल। नौकरी करने की जगह ऐसे काम करते हो? जैन सर, सर, उसकी बहन उसकी जान है सर, गुस्से में उसने ऐसा कर दिया सर। hey, मैंने उसे अरेस्ट हॉस्पिटल में लफड़ा करने की वजह से नहीं किया है। तो फिर किस लिए सर? बताइए असल में क्या हुआ था? मेरी बहन को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में दिए गए पिल्स को चोरी छुपे लेकर आए हमारे स्कूल के डांस प्रोग्राम में। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को दिया। डांस परफॉर्म करते हुए उसके बाद पेट दर्द शुरू हो गया, वहीं पे मैं गिर गई। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। यार, अभी अब बाप बेटे को सारी बातें समझ में आ गई। मैंने उसे अरेस्ट किया है ब्यूटी क्रीम में ड्रग्स सप्लाई करने के जुर्म में। सर, मैं तो एक मामूली सा एरिया मैनेजर हूँ सर। सभी प्रोडक्ट्स की तरह मैंने ये प्रोडक्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इट्स माय जॉब सर। इससे ज्यादा मेरे पास इसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सर। मुझसे खेल खेल रहा है? 2 सालों से तू वहां जॉब कर रहा है, अपने प्रोडक्ट के बारे में तुझे कुछ नहीं पता? तुम्हें क्या पुलिस बेवकूफ नजर आती है? नारायण, कहीं इसे तुमने तो ट्रेनिंग नहीं दी है? सर, 3 दिनों से इंक्वायरी कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट कौन कहां तैयार कर रहा है, हमारे पास एक भी ऑफिशियल एविडेंस नहीं है। और अब हमारे हाथ एक सबूत लगा है, तुम्हारा बेटा, उसे भी तुम छोड़ने को कह रहे हो। ब्यूटी पिल्स में ड्रग सप्लाई करने की वजह से 2 लड़कियों की जान चली गई। और भी कई लोगों की जान को खतरे में डालने वाले अपराधी अभी को 1 महीने के लिए रिमांड में रख के इस केस से संबंधित पूरी जानकारी इकट्ठा करके कोर्ट में सबमिट करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश दिया जाता है। अभी भी
मेरे कारण हुआ है। मैं भी सुमन को इसी हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहता था। पहले इस केस से बाहर आने के लिए क्या करना है ये सोचना ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे बेटे का केस तुमसे अच्छा कोई और तहकीकात नहीं कर सकता, तो इस केस को तुम ही डील करो। मुसीबत आए तो बेटा चलकर आता है कहते हैं, पर हमारे नारायण के लिए तो बेटा और मुसीबत दोनों एक साथ आ गए। ईमानदारी सच्चाई ऐसी बातें हमें सिखाता था, पर अपने बेटे को सिखाना भूल गया। है सेनो, जितनी भी लड़कियों ने ये ब्यूटी पिल्स ली थी उन सब के पास जाकर मैंने इंक्वायरी की है। उन्हें ये पिल्स लेने के बाद ही स्टमक में पेन शुरू हुआ था। बॉक्स के पीछे दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल किया तो उनके पास बताए गए हॉस्पिटल में जाने को कह रहे थे। ट्रीटमेंट के लिए वहाँ दो दिन एडमिट करके फिर डिस्चार्ज कर रहे थे। उस हॉस्पिटल ने फ्री में ट्रीटमेंट किया और कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स भी दिए, इस वजह से किसी ने भी कंप्लेन नहीं की। इन पिल्स में कौन से ड्रग्स हैं और इसमें उन हॉस्पिटल वालों का क्या हाथ है, ये सब समझ में नहीं आ रहा। ए, उसे इधर रख, उधर हटा, चल जल्दी लेकर हाथ चला। क्या कर रहा है? सारे डब्बे अच्छे से पैक करो। ठीक है सर। जल्दी करो जल्दी करो, माल डिलीवरी देनी है। ए, क्या देख रहा है? काम कर काम कर, चल। ए, क्या चल रहा है यहाँ पे? मेडिसिन है ये, कौन से ड्रग्स हैं ये, तुम लोगों के पीछे कौन कौन है, बता बता बता। कुछ लेकर जा रहा है अभी, चलो। Thank you.
ये देखिए। स्टीफन, डन। पीटर, यस। सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। टेन इयर्स, नंबर ऑफ फेलियर्स 60 केस स्टडीज, बहुत रिसर्च। हाँ, आखिर जीत गया। इंसान को पैदा होने से रोकने वाले भगवान से मैं जीत गया, सृष्टि से जीत गया, टेस्ट ट्यूब बेबी सरोगेसी से भी। बड़े साइंस की खोज की है मैंने, जेनेटिक साइंस से रोबोटिक सर्जरी तक, पेनिसिलिन से लेकर पोलियो तक, क्रोसिन टैबलेट से लेकर कैंसर ट्रीटमेंट तक, जो भी इन्वेंशन सक्सेसफुल हुआ है उसने मेडिकल हिस्ट्री ही बदल दी है, पर मेरा ये इन्वेंशन पूरी सृष्टि ही बदल देगा। मेडिकल एवोल्यूशन में मेरा क्रिएशन एक रेवोल्यूशन है। यस, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर, कांग्रेचुलेशंस। सालों की मेहनत से बनाए हुए मेरे इस मेडिकल किंगडम को केवल 10 मिनट में खत्म कर दोगी क्या? मेरी जिंदगी का हर पल मैंने इसी पल का इंतजार किया है, उसे दूर कर दोगी तो कैसे चलेगा? हाँ, लोग कहते हैं हर मर्द की सफलता के पीछे एक औरत होती है। तुम असफलता का कारण नहीं बन सकती।
project success. वैसे ये शिवाजी क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे कर रहा है? उस कोयल हॉस्पिटल का शिवाजी के साथ क्या संबंध है? असल में वो सच में शिवाजी ही है ना? अरे बस कर अभी, इस तरह की परिस्थिति में ऐसे डाउट्स आते ही आते हैं। वो सच में शिवाजी ही है। इस तरह के लोग ही सोसाइटी में अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके पास जो करेंसी और पावर होता है, बड़े लोगों के कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और हमारे जैसे कॉमन मैन की जिंदगी के साथ खेलते हैं। इस समय हर रोज एक लड़की के एक्सीडेंट का केस फाइल होता है। जिन लड़कियों का एक्सीडेंट होता है वो सभी के सभी 18 से 25 साल के बीच की होती है। करेक्ट अंकल, ब्यूटी पिल्स खाकर हॉस्पिटल में जितनी भी लड़कियां एडमिट हुई हैं, वो भी इसी एज ग्रुप की हैं। इसमें हमें कॉमन चीज नजर आ रही है, लड़कियां। वैसे देखा जाए तो ये किडनैप्स का, ब्यूटी पिल्स का शिवाजी जो क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहा है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कनेक्शन है। ये सब कुछ शिवाजी ही कर रहा है। ऐसा अगर हम डायरेक्टली कोर्ट में केस करें तो पॉपुलर होने के लिए ये सब किया है कहकर केस इजीली रद्द किया जा सकता है, लेकिन फैंस हल्ला कर देंगे। इस सिचुएशन को बहुत केयरफुली डील करना होगा। जो भी करना है जल्दी करना होगा। अगले 10 दिनों में कोर्ट में तुम्हारी हियरिंग है। नाउ माय टारगेट इज शिवाजी, माय सुपरस्टार। 4th अगस्त की डेडलाइन रखकर ये सुपरस्टार शिवाजी क्लिनिकल ट्रायल्स प्लान कर रहा है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है। इस मिस्ट्री को सुलझाना है तो हमें कोयल हॉस्पिटल में स्टिंग ऑपरेशन करना ही होगा। स्टिंग ऑपरेशन? यस, स्टिंग ऑपरेशन में शिवाजी को डायरेक्टली इन्वॉल्व करना होगा। हाँ, पर उसे डायरेक्टली इन्वॉल्व कैसे करें? सुमा, यू आर परफेक्टली ऑल राइट, आराम से बैठो। कोई बात नहीं, वेरी गुड सुमा, ट्राई करो। मेरी लाडली। जो बोला है वो सब याद है ना? अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो सभी आउट, जाकर माफ फिक्स कर और जरा संभल के। एक्टिंग करने के लिए पूछा तो मैंने सोचा फिल्म में, सीरियल में, एटलीस्ट शॉर्ट फिल्म में करना है यार, ये स्टिंग ऑपरेशन क्या है तेरी तो? ठीक है, मेरी बीवी कौन है? छिछी, ये इसने मुझे बॉयफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, मैं इसे वाइफ के रूप में क्यों एक्सेप्ट करूं? मैं नहीं करने वाला। इसके साथ मैं भी एक्टिंग नहीं करूंगी, आई एम सॉरी। दोनों कितने भी लड़ लो लेकिन तुम दोनों के बीच की केमिस्ट्री अच्छी होती है। कोई फिजिक्स कोई केमिस्ट्री नहीं, उन्होंने अगर पकड़ लिया ना तो बायोलॉजी होगी, सूर्य से काट देंगे। वो सब तो मैं देख लूंगा, पर ये कैमरा वहां पर फिक्स कर दे, ओके? समझ गए ना? ये लो ब्लूटूथ, इससे मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देता रहूंगा, जरा ध्यान से फॉलो करना। ओके जीजू? ओके अभी। सुनो जीजू। हाँ। मेरी बाइक घर वाले को दे देना, स्टडी के लिए 5 लाख मिले थे, 1 लाख खर्च कर दिया, 4 लाख बचे हैं। वो बेडरूम में कपबोर्ड के नीचे रखा हुआ है। और एक चीज, मेरी बॉडी को जलाना मत, पहले से ही मैं काला हूँ। इसकी घटिया एक्टिंग के चक्कर में मेरी जान जाने वाली, ये तो फिक्स है यार, मैं जानता हूँ सब कुछ। ठीक है अब जा। फोन दो। सर। हाँ। कोई नया राइटर है सर, कहानी भेजी उसने, अद्भुत कहानी है सर। कलरिंग बंद करो, कंटेंट क्या है बोलो। सर जब ओपन करते हैं तो एक बड़ा सुपरस्टार दिखता है, उसका एक बहुत बड़ा फैन है,
उस फैन की जान है वो सुपरस्टार, लेकिन उससे भी बढ़कर है उसकी बहन। उसकी बहन को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर की गलती की वजह से बहन कोमा में चली गई। इस गलती के पीछे किसका हाथ है, जब वो फैन पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका चहेता सुपरस्टार ही है वो, और वहीं पर होता है इंटरवल। ए, हाँ, मुझे दो। ये लीजिए सर। तुम जाओ। कहानी कैसी लगी सर? स्टफ बहुत ही बढ़िया है ना? कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? तेरी डेट्स चाहिए, देगा क्या? ए, हिम्मत है तो मेरे सामने आ, तब दूंगा। टाइम आने पर जरूर आऊंगा सर। इस बीच आपको सेकंड हाफ का फर्स्ट सीन मैंने भेजा है ना, वो एक बार देख लो। हॉस्पिटल में स्टिंग ऑपरेशन करके वो फैन सुपरस्टार का पर्दाफाश कर सकता है। शिट। प्लीज। हाय सर, मैं तुलसी, ये तुलसी की वाइफ। सर, योर शॉट इज रेडी। फॉरगेट इट, बैक अप। मेरी बीवी मेरी जान है सर, इसे बच्चे बहुत पसंद है सर। इसे बच्चे पैदा हो इसके लिए डे नाइट मेहनत की है सर। बहुत ट्राई करने के बाद भी ये माँ नहीं बन सकती, ये पता चला सर। एक्चुअली आपके जैसे कपल्स के लिए हमने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट। श्योर सर। हमें अभी अभी तो इन्फॉर्मेशन मिली है सर, कुछ भी फैसला लेने से पहले घर वालों से पूछना पड़ेगा। ए सारा जल्दी करो, वो शिवाजी आ गया है। अच्छा? क्या हुआ? सर मेरी माँ बहुत गुस्से वाली सर, मैं घर में बता के आता हूँ। चल 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 जल्दी आइए। ओके सर। अरे सॉरी सर, मैं उठा देता हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके। उठाता हूँ सर, उठाता हूँ। थैंक यू सर। अच्छा वो बाहर आ गया, चलो जल्दी निकलते हैं। अरे पर क्यों, काम तो हो गया ना? शिवाजी आ गया है, अगर देख ले तो काम तमाम। बाप रे, सब कुछ चेक कर रहे हैं। चल 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 चल। एक्सक्यूज मी, मर गए। शिट, शिवाजी ने शायद देख लिया। कौन हो तुम? सर सर, ये मेरा पति है, मैं इसकी पत्नी हूँ सर। हाँ? जी जी जी, मैं पति हूँ, ये मेरी पत्नी है सर। इसकी मर्जी के बिना इसकी माँ से शादी नहीं कर सकता सर। जी जी, माँ की मर्जी के बिना इससे शादी नहीं कर सकता सर। हस्बैंड वाइफ हो? हाँ। मैरिज की फोटो दिखाओ। मैरिज फोटो? हाँ? ऐसे कैसे दिखा सकते हैं सर, हम क्या मैरिज फोटो साथ में लेकर घूमते हैं? जीजू, कुछ कर सकते हो क्या? हाँ। हे, व्हाट्सएप चेक करो जल्दी। आ गया सर। जी जी, नहीं मिल गया सर। ये देखिए सर, मेड फॉर ईच अदर सर। मैं हूँ सर, दो तीन फूलों के बीच में। दैट वाज क्लोज, थैंक गॉड। ये क्या, गन के साथ? शक हो ऐसा कोई आया था क्या? कोई नहीं आया। कोई हमें टारगेट कर रहा है, स्टिंग ऑपरेशन करने के बारे में सोच रहा है, मुझे वार्निंग दी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। यस सर, जापान के कपल आए हैं सर। जापानीज कपल आए हैं? इवनिंग में बुलाया था ना, अभी क्यों आ गए? ठीक है, बुलाओ उन्हें। सेंड देम। प्लीज वेलकम। हेलो, हाउ आर यू? प्लीज। थैंक यू। हमारे फॉर्मूला को टेस्ट करने के लिए जापान ने बोर्ड मेंबर भेजा है। ओके। हाय, हाउ आर यू? फाइन।
I am John. This is my wife, Lucy. Mr. Kim spoke to you about us. He wants to go ahead with your treatment to have a kid. Sure, why not? Let me explain. पेरेंट्स जिसे बनना है बच्चों का प्लान करते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हें जैसा बच्चा चाहिए खुद सेट कर सकते हैं। Really? Yes, DNA एडिटिंग करके उस फॉर्मूला को कंबाइन किया जाए तो ये पॉसिबल है। Wow, really amazing. Yeah, हमारे पास जो डोनर्स हैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। समझदार बच्चा चाहिए तो IQ ऑप्शन, फिजिकली स्ट्रॉन्ग चाहिए तो स्पोर्ट्स ऑप्शन, और सुंदर बच्चा चाहिए तो ब्यूटी ऑप्शन। Have a look. ये ऐप कैसा है जीजू? Okay, amazing. You can select the kind of brilliance you want. All right, I will choose option beauty. Done. What? Such a big scam. जीजू, इस ऐप को डीकोड कर सकते हैं क्या? फायरवॉल ब्रेक करना होगा और इसमें बहुत टाइम लगेगा। Yes. My God, जरा लिस्ट तो देखो। I can't believe this. Politician, sports star, celebrities. अभी जिस लड़की को सेलेक्ट किया है वो कोकटपली से। बाहर खड़ा हूं, तुम अंदर संभालो। ठीक है चीजू, आप अपना काम संभालो। नो एंट्री सर। ओके, या कीप मूविंग। ओके चीजू। चीजू अब कहां जाऊं? कम फास्ट, क्विक, वो इंजेक्शन लेकर आओ। कॉटन, थोड़ा सा टर्न हो जाओ। अबे हाँ जीजू, उसे को इंजेक्शन दिया गया है। अच्छा, अभी तुम जल्दी से वहां पर जाओ। हाँ, अभी वहीं पर। शिफ्ट क्विकली। सुनो, ट्रीटमेंट का प्रोसेस रेडी हुआ क्या? वन सेकेंड। क्या हुआ? ऑलमोस्ट रेडी है। वैसे तुम्हारी क्या जरूरत है, मैं सब देख लूंगा ना। 4 अगस्त है, जापान प्रोजेक्ट है, पहले वो देखो ना। अरे हाँ, वो भी है। आई फॉरगॉट अबाउट इट, बट बी केयरफुल, जापान कपल फर्स्ट टाइम आया है, ध्यान देना। सिक्योरिटी, thank you.
नमस्ते सर। देखा क्या? नहीं देखा सर। तो जाके ढूंढो। ओके सर। वो तो भाग गया सर। आखिर जिसका डर था वो हो ही गया। इसके बारे में शिवाजी को पता नहीं चलना चाहिए। मेगा 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 बस कुछ देर और प्लीज थोड़ा सा सब्र करो। सिस्टर मेगा आ गए। मेगा लेके चलो। HCL formula, ये ड्रग तो मार्केट में मिलता ही नहीं है। डोंट वरी, इसका एंटी डोज देंगे तो ये अच्छी हो जाएगी। दोनों रिपोर्ट्स मैंने देखे हैं। ड्यूटी पिल्स में जो ड्रग है और उसके इंजेक्शन में जो ड्रग दिए गए हैं बोथ आर सेम। वो देने से क्या होता है डॉक्टर? जनरली लड़कियों को मेंस्ट्रुअल पीरियड से 12 से 14 के बीच में ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, बट ये ड्रग देने से डेट से संबंध ना होने के कारण फर्टाइल अंडे ज्यादा रिलीज होते हैं। इस ड्रग को किसी किसी का शरीर सह लेता है और किसी किसी का नहीं। अगर बच्चों को देंगे तो जान जाने की भी संभावना हो सकती है। हेलो, फॉर्मूला HCL इंजेक्शन। एक 10 साल की बच्ची को देंगे तो क्या होगा सर? कौन हो तुम? डैडी, मुझे बचा लो डैडी। हे मेरी बच्ची को छोड़ दो। Within 5 minutes, मैंने जो लोकेशन शेयर किया है वहां पर आ जाओ, नहीं तो नो! असल में क्या हो रहा है हॉस्पिटल में? उस कोयल हॉस्पिटल का और शिवाजी का क्या संबंध है? तुझसे ही पूछ रहा हूं। एक्टर के तौर पर जिस शिवाजी को तुम जानते हो वो सिर्फ एक्टर ही नहीं है। कॉलेज से पढ़ाई की थी। मॉर्निंग शिवाजी। एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही रूम में रहते थे, लेकिन उसकी अपनी ही एक दुनिया थी। उसका दिमाग एक पेंडोरा बॉक्स है। थॉट, लेजर लाइट्स, आईज फुल साइज। वो बहुत ही काबिल है। साइंटिफिक एंगल से आइंस्टाइन की तरह है। मेडिकल एंगल से इज अ स्प्लिट पर्सनालिटी। अलग अलग टाइम पे वो दो अलग अलग कैरेक्टर्स की तरह बिहेव करता है। तो फाइनल ईयर में एक दिन ऐसे पेशेंट को टेस्ट करेंगे तो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी ये तो हमें पता नहीं है ना। यही तो पता लगाना है। नहीं 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 यार। शिट, हार्ट बीट बहुत ज्यादा हाई हो गया, अराउंड 160। हाँ, 160 हो गया।
पल्स स्लोली गिर जाएगी। हाँ, पल्स गिर गई। थीटो लेवल कम होके मुंह से झाग आएगा। हाँ। Just 5 seconds, he will be dead. इस फॉर्मूला में मेथोनाइल का इस्तेमाल हुआ है, उसके कारण हाइपरटेंशन बढ़ गया है, कार्डियक अरेस्ट के कारण ये मर गया। सो मेथोनाइल के बदले मॉर्फिन 10 mg, प्रोक्टेनल 25 mg अगर ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला सक्सेस होगा। इस तरह से MBBS कंप्लीट करने के बाद उसने कॉलेज में MS ज्वाइन कर लिया था। जो कर रहा था वो डिग्री तो बदल गई पर उसका बिहेवियर नहीं बदला। वहां भी वो कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करता ही रहता था। तभी अविका नाम की एक लड़की उसके प्यार में पड़ गई। हर जगह जीनियस है। मिक्स अप विद एंड हाय, आई लव यू शिवा। लव अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, तुम्हारे हर काम को, दिमाग में आने वाली हर सोच को ब्रेन न्यूरोकेमिकल और न्यूरोइलेक्ट्रिकल के रूप में प्रोसीड करता है। माइंड में होने वाले केमिकल रिएक्शन के कारण तुम्हारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू होके ये फीलिंग डेवलप हुआ है। इस रिएक्शन को तुमने नाम दिया है लव। व्हाट? शिवा, 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 तुम्हें बुक्स और एक्सपेरिमेंट के अलावा कभी मेरा ध्यान भी रहता है? तुम्हें फीलिंग्स कैसे पैदा करनी है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। शिवा, अच्छा केमिकल रिएक्शन के बदले बायोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया ना? तुम्हारे राइट ब्रेस्ट के साथ कंपेयर किया तो लेफ्ट ब्रेस्ट में 2 सेंटीमीटर का अंतर है। वोम्ब में तुम्हारी बॉडी का फॉर्मेशन होते वक्त प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण ये हुआ है। इसकी वजह से बढ़ती उम्र के साथ तुम्हारी पल्मोनरी वेंस से लेकर हार्ट तक ब्लड सप्लाई धीरे से कम होकर कॉरोनरी वेंस ब्लैक हो जाएगी। सो नेक्स्ट 7 ईयर्स में स्ट्रोक आने का चांस है। डाइट चेंज करो, रेगुलर वर्कआउट करो, ये टैबलेट लो, यू विल बी ऑल राइट। तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हें तो मैं ठीक करूंगी। शिवा, रेडी? 1 मिनट। ये अगर गर्भ से नहीं हुई तो इसका पति इसे छोड़ देगा सर, इसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। किसी भी तरह आपको कोई रास्ता निकालना होगा डॉक्टर सर। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारी बेटी को बच्चा पैदा नहीं होगा, गर्भाशय में अंडा रिलीज नहीं हो रहा है। मैं क्या, वो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। जाइए माँ जी, जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाइए। उसने बायोलॉजी को लेकर मेडिकल साइंस के फ्यूचर को खुद ही लिखने का सोचा, पर इस बार वो वायरस का वैक्सीन खोजना या कैंसर का आंसर खोजना नहीं था, बल्कि भगवान के क्रिएशन को रिक्रिएट करने का सोचा। एग रिलीज प्रॉब्लम के कारण बच्चा पैदा न कर पाने वाली औरतों के लिए उसने एक फॉर्मूला तैयार किया। सक्सेस के पीछे भागता है, लेकिन हर बार सक्सेस इसके पीछे भागती थी, पर इस बार फर्स्ट मॉडल ऑफ एक्स 1964, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस 1966, द डिस्कवरी ऑफ क्वाजी क्रिस्टल्स 1984। इन रिसर्च को पहले रिजेक्ट ही किया गया था, बाद में नोबेल प्राइज दिया गया। काम डाउन शिवा, रिसर्च पेपर से कुछ भी नहीं होता है, रिकमेंडेशन पेपर से ही बात बनती है, अप्रूवल मिलेगा। एक साइंटिस्ट के पास कौन सी पावर होनी चाहिए ये तुम जानते हो, और तुम्हारे पास वो है। और आज नहीं तो कल शिवा, तुम्हारा इन्वेशन पूरी दुनिया में काम करेगा, पूरी दुनिया देखेगी उसे। हेलो। उस समय के
सुपरस्टार थे इनके फादर और अचानक बहुत सारी फिल्मों में काम करने वाले MGR को शूटिंग के वक्त अस्वस्थ होने की वजह से चेन्नई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। अब उनकी मौत से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगा है। पिताजी को एडवांस देने वाले सारे प्रोड्यूसर पैसे वापस लेने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। इस परिस्थिति में तुम्हारा हीरो करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है। उनके फादर की फैन फॉलोइंग उसे मिली तो वो ओवरनाइट सुपरस्टार बन गया। अपने सुपरस्टार जी, मेरे ही तरह एक कमाल के अभिनेता हैं। ये बताने में मुझे आप लोगों से कोई आपत्ति नहीं है। दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना होगा। मजबूत इरादे ही जीतते हैं। पेटीएम मॉल में शॉपिंग कीजिए, कैशबैक पाइए। अब पूरी तरह से फिल्मों में बिजी रहने वाला वो रॉयल लाइफ को जीते हुए भी उस फॉर्मूले को कैसे सक्सेसफुल करना है यही सोचता रहता था। तभी जापान में रेडिएशन के इफेक्ट की वजह से वहाँ की लड़कियों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम की वजह से जनरेशन गैप हो गया, ऐसी न्यूज उसने देखी। ड्यू टू द रेडिएशन इफेक्ट द वुमेन इन दिस कंट्री आर फेसिंग इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम नॉट जस्ट जापान बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर्स एटलीस्ट 11% ऑफ वुमेन पॉपुलेशन आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। या आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। एक इंसान की बॉडी में अगर कोई ऑर्गन डैमेज हुआ हो तो दूसरों का ऑर्गन इम्प्लांट कर सकते हैं। एक्स रिलीज फंक्शन स्टडी नहीं है, इसलिए इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम फेस करने वाले लेडीज को हेल्दी लेडीज से निकाले गए एक्स से इम्प्लांट करके फाइनली उन्हें नेचुरली कंसीव करवा सकते हैं। थैंक यू। योर थियरी इज एक्सीलेंट। व्हाट अबाउट द डोनर्स मैन? वी हैव लॉट ऑफ डोनर्स इन इंडिया दैट आई कैन हैंडल। नाइस, बट वी नीड सम प्रैक्टिकल प्रूफ। ब्रिंग योर रिपोर्ट ऑफ 100 सक्सेसफुल केसेस, देन वी कैन साइन द कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोज की हुई थियरी एक्सेप्ट हो गई, इसलिए प्रैक्टिकल प्रूफ के लिए वो वापस इंडिया आया। और आते उसने सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल किस पर किया, ये बात आप सोच भी नहीं सकते। शादी के सालों बाद भी हमें बच्चे नहीं हुए, तुम में भी एग रिलीज फंक्शनिंग का प्रॉब्लम है। ये ट्रायल किसी और से शुरू नहीं करना, तुम्हें मेरे फॉर्मूले पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऐसे उस फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हुए मेरे हाथों कोयल फर्टिलिटी हॉस्पिटल बनवा के बच्चों की चाहत रखने वाले कपल्स के इमोशंस को कैश करके उन पर उसने क्लिनिकल ट्रायल करना स्टार्ट कर दिया। आंखों के सामने कई लोगों की जान लेने के बाद भी उसने अपना एक्सपेरिमेंट बंद बिल्कुल नहीं किया। शिवाजी, क्योंकि वो सुपरस्टार है इस वजह से फैन क्लब के मेंबर्स और सोसाइटी के लोग बड़े लोगों के सपोर्ट की वजह से ट्रायल्स में मरने वालों के केसेस किसी को पता ना लगे ऐसा उसने मैनेज कर लिया। तो फिर वो ब्यूटी पिल्स क्या है, किडनैप क्या है, सर्कल ऐप क्या है? ह्यूज क्वांटिटी में एग कलेक्ट करने के लिए उसने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखा। ब्यूटी पिल्स के रूप में ड्रग्स सप्लाई करके हमने चेन ऑफ हॉस्पिटल में उन्हें बुलाकर एग चुरा लिए। और एजुकेशन फेस्ट स्कूल्स के द्वारा लड़कियों की डिटेल्स को कलेक्ट करके रेयर ब्लड की लड़कियों को सर्कल ऐप के द्वारा एक्सीडेंट करवा के उनके एग्स को कलेक्ट किया।
उस फॉर्मूले की वजह से औरतें कंसीव तो कर रही थी पर उनके फीटस ठीक से काम नहीं कर रहे थे। उसको रेक्टिफाई करने के लिए रेयर ब्लड वाली तुम्हारी बहन पर हमने क्लिनिकल टेस्ट किया। वो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया था, छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो फेल हो गया और तुम्हारी बहन कोमा में चली गई। उसी वक्त ब्यूटी पिल्स के केस के बारे में पता चलने पर उसे तुम पर घुमा दिया गया। उसके बाद उस फॉर्मूले को रेक्टिफाई करके आखिर में वो सक्सेस हो गया। इस धरती पर पैदा होने वाले हर इंसान का सबसे पहला भगवान होता है माँ। माँ बनना हर एक औरत का एक वरदान है, पर ऐसे ममता के साथ भी व्यापार हो रहा है सर। बच्चे पैदा कर सके इस उम्मीद से आए हुए औरतों के साथ बच्चे पैदा करवाएंगे ये भरोसा दिला के ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स करवा रहे हैं सर। तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल जाते हैं सर, अगर हॉस्पिटल ही तबीयत खराब करेगा तो एक सामान्य व्यक्ति क्या करेगी सर। केस के सारे गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सुपरस्टार शिवाजी को जल्द से कस्टडी में लेकर कोर्ट में हाजिर करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश दिया जाता है। ओके सर। रम्या मैं हॉस्टल वापस आ रही हूँ। क्या हुआ मेगा? आकर सब बताती हूँ। बाय। हे मेगा। हे मेगा, यहाँ क्या कर रही हो? मैं चलती हूँ अभी। कहाँ पर? सब सेटल हो गया है, यहाँ सब खुश है। अब यहाँ तुम सबके बीच मेरी क्या जरूरत? तुम्हारे बिना हम खुश रह लेंगे तुम ऐसा सोच रही हो क्या? मेरी लाइफ में मेरे लिए खास इंसान है मेरी माँ, मेरी दीदी और उनके बाद तुम। ऐसे में मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ मेघा? सच में? पक्का? दंगा फसाद करने वाले उनके फैंस का ये दावा है कि उनके हीरो पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। बंद के कारण परेशान है आम जनता। कुकटपली में 144 सेक्शन लागू, हाई अलर्ट में है पुलिस डिपार्टमेंट। तुम निकलो। वैसे शिवाजी इस वक्त हैं कहां पर? दिस इज अ रिपोर्ट ऑफ 100 केस स्टडीज हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ओके, Chaos erupts in the city of Hyderabad. Superstar Shivaji has this? Been accused of conducting illegal clinical trial on innocent women. You said that you have legal donors. What is this nonsense? Excuse me, sir.
मिस्टर शिवाजी, आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये आरोप नहीं है, झूठ है। योर ऑनर, अब तक जो आपने वीडियो देखा है एक रियलिटी शो के विजुअल है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के नाम पर धोखा देने वालों के बारे में ये शो है। इसमें मैंने बस एक्टिंग की है, दैट्स ऑल। अगर आप परमिशन दें तो मैं गवाह बुलाना चाहूंगा। यस, परमिशन ग्रांटेड। नमस्ते सर, इस रियलिटी शो का डायरेक्ट करने वाला मैं ही हूँ। आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दैट रियलिटी शो सर। उसकी स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी सर। और अब गोयल हॉस्पिटल के MD रविंद्र रेड्डी जी बोलिए। सुपरस्टार शिवाजी मेरे फ्रेंड है सर, उनके किए हुए रियलिटी शो के लिए हॉस्पिटल में शूटिंग करेंगे तो रियलिस्टिक लगेगा, इसलिए मैंने ही परमिशन दी थी। पर उन्होंने ड्रग्स केस से बचने के लिए ये सब सच में हो रहा है ऐसा क्रिएट करके, मेरी बेटी को किडनैप करके, मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे ये सब कहलवाया। केस के गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इस केस का और शिवाजी का किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है ऐसा मानकर शिवाजी को निर्दोष करार दिया जाता है। इस ड्रग्स का एक्यूज्ड अभी अगले हफ्ते तक अगर खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाया तो उसे कस्टडी में लेने के लिए पुलिस को आदेश दिया जाता है। से मारा पर जोर का झटका लगा ऐसा लग रहा है, फिर भी तेरे इंटेलिजेंस को हैट्स ऑफ यार। मैंने इतने सालों की मेहनत से जो मेडिकल किंगडम बनाया उसे एविडेंस के साथ तूने बाहर निकाला, ग्रेट। तेरा खेल अब खत्म हो गया। ये सब मेरी ही हवा है। कानून बनाने वालों से लेकर MLA बनाने वालों तक सभी लोग मेरे ही। हां देख, सुपरस्टार शिवाजी फैंस, मैंने अगर ग्रीन सिग्नल दे दिया तो तेरी लाइफ में रेड सिग्नल आ जाएगा। सुपरस्टार शिवाजी इज नॉट जस्ट अ पर्सन, ही इज अ सिस्टम। एनीवेज, यू डिड अ गुड जॉब। वन सेल्फी, कम कम। शिवाजी, ये सब क्या है? टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज है, हॉस्पिटल में ट्रायल किया, कोर्ट में केस चल रहा है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें बड़ा स्टार बनते देखना चाहते थे, और क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें और पापा को जो चाहिए वही सब कुछ है, मुझे जो चाहिए वो कुछ नहीं ना। सिर्फ तुम्हारे और पापा के लिए मैं सुपरस्टार बना, लेकिन मेरा लक्ष्य इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनने का था, इसीलिए ये सब रिसर्च की मैंने। आखिर तुम किस पर रिसर्च कर रहे थे बेटा, किस पर कर रहे थे? हाँ, औरत का शरीर एक देवालय होता है और उसका गर्भ मंदिर के समान होता है, उसमें जब जब बदलाव होते हैं वो दिल दिल मरती है, तुम जानते हो? साइंस रेवोल्यूशन के नाम पर पता नहीं साइंटिस्ट क्या क्या दिमाग चलाते हैं, क्या क्या रिसर्च करते हैं, कभी उस औरत के बारे में भी सोचो। हर साइंटिस्ट इस धरती के इंसान के लिए कोई ना कोई अद्भुत आविष्कार देकर चला जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तरह, आइंस्टाइन की तरह मैं भी हूं। अगर करोड़ों लोगों का भला करना है तो 100 लोगों की जिंदगी का त्याग देना पड़ेगा। आने वाले समय में इस फॉर्मूला से जन्म देने वाली सभी माएं इस ग्रेट साइंटिस्ट को याद करके उसकी तारीफों के पुल बांधेंगी। ओए, दूसरों के जन्म के बारे में बाद में सोचना, पहले अपने जन्म के बारे में सोचो। तुम कैसे पैदा हुए तुम जानते हो? अगर बच्चा पैदा करने की वजह भगवान ने मर्द को बनाया है तो उस बच्चे का बोझ उठाने की शक्ति औरत को दी है, पर भगवान ने मुझे वो शक्ति नहीं दी थी। वर्ल्ड के टॉप गायनेकोलॉजिस्ट हैं आप?
फिर भी हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है आपके पास? We have a solution. It's called surrogacy. Biological parents आप ही होंगे, but आपकी बीवी के बदले दूसरी औरत के कोख में आपका बच्चा पलेगा। How is it possible? This is 1980s, sir. Things have changed. Yes, science बहुत advanced हो गया है। अभी आपके लिए ये नया होगा, लेकिन अगले 30 सालों में आप जैसे celebrity के ही नहीं, common man के लिए भी काम में आएगा। Who is the lady? Abdominal dysfunction, high cholesterol symptoms are the causes of cardiac arrest. Ah, stop kicking me. I know you're listening. Prevention is better than cure. Cure is the only way to prevent disease. कोई भी माँ सोचती है कि उसका बच्चा उसके पास सोए, पर तुम हमेशा मुझसे दूर भागते थे, मुझसे दूर सोते थे। माँ की गोद में जो आराम नहीं मिला, वो तुम्हें नीचे सोकर मिलता था। बच्चा जब माँ के पेट में होता है, माँ की कुछ चीजें बच्चे को प्रभावित करती हैं। जेनेटिकली ये लक्षण बच्चे में पास होने के चांस हैं। हेलो, क्यों रे? खुद साथ में सेल्फी निकालने वाले हीरो ने मुझे कॉल क्यों किया ये सोच रहा है ना? मेरी कहानी लिख कर भेजी तूने, उसका क्लाइमेक्स क्या होगा मैं बताता हूँ। ओलंपिक चैंपियन इंदु मरिका सपिट में एकेडमी से 9997 कार में जा रही है। आगे क्या होगा ये तो समझ ही गया होगा। इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह हार जाएगा या मेरे अभिमान की तरह जीत जाएगा, देखता हूं। भाई वो देखो, ये वही लड़का है ना जिसको अपन उस दिन ठोक रहे थे और पुलिस आ गई थी। उस दिन तो बच गया था, पर आज नहीं बचेगा। लकड़ी दे, हम सब के सीने में रहने वाले भगवान को कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ाता है क्या? यहाँ तो वहाँ पर नहीं, यहाँ पर मारो। एक ही बार मर जाऊंगा, पर एक बार मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लो। उसके बाद जो करना है वो कर लो। बता। एक तरफ हमारे सुपरस्टार शिवाजी संकट में है, वो एफडीएफ वाले हमारे हीरो पर अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं और बाहर 100 लोग उन्हें मारने के लिए रेडी हैं। अब अगर हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे तो आगे उन्हें कभी देख नहीं पाएंगे। तू जो बोल रहा है वो सच है क्या? सच नहीं होता तो मैं आपके पास क्यों आता? Thank you.
एम्बुलेंस! लेफ्ट वेंट्रिकल को बुलेट लगी है, बहुत बहुत ब्लड चला गया है, अब कोई होप नहीं है। शिवाजी, 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 अभी भी कुछ सही नहीं हो रहा ना माँ, तुम रो रही हो और मैं हंस रहा हूँ। क्या हो गया ये? थैंक्स यार, तुमने मेरे इतिहास से मेरा परिचय करा दिया। मैं सोच रहा था मेरे अंदर विज्ञान है, पर मेरे पैदा होने में ही विज्ञान है। माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ सोचा था, पर मैं साइंस के प्रयोग से पैदा हुआ हूँ। मैं जिस प्रयोग से पैदा हुआ उसका ही मैंने मेडिकल सेंटर बनाया। तभी मैं एक निर्णय पे आया, जिस किसी औरत को मां बनने की ख्वाहिश हो उसके लिए मेरा फॉर्मूला एक वरदान बनना चाहिए। लेकिन तू पागल हो गया है क्या? अरे किस पेड़ के नीचे बैठ गया था भाई जो तुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया? पहले इस एग्रीमेंट पर साइन कर। जो भी पैसे खर्च हुए हैं मैं चुका दूंगा, लेकिन ये पेपर साइन नहीं करूंगा। क्या कहा? तू पैसे वापस करेगा? तेरा सर्कल ऐप, एक्सीडेंट्स, तेरे क्लिनिकल ट्रायल्स, तेरे कोर्ट केस, सभी जगह पर मैंने तेरा साथ दिया और तू मुझे वार्निंग दे रहा है? वो कह रहा है ना तुझे पैसे दे देंगे, तो भौंक क्यों रहा है तू? ओए चुप कर। शिवाजी हमारा टाइम हो रहा, चलो चलते। जब तक हमारे साथ रहोगे तब तक जिंदा रहोगे, और अगर हमारा साथ छोड़ना चाहोगे तो सीधा ऊपर जाओगे। वो बच के जाने न पाए। उस वक्त मुझे तुम याद आए, इसीलिए तुम्हें फोन किया। 9997 कार में जा रही है, इस तरह तुम सबको मिलके सेंट्रल रेक्स बोर्ड आकर मेरी फॉर्मूला को किसी भी तरह ट्रस्ट में डलवाने की रिक्वेस्ट की मैंने। अब से कोई भी औरत ममता से वंचित नहीं होगी। हर माँ को मेरा दिया हुआ गर्भ ये मार्शल फॉर्मूला है। प्लीज एक्सेप्ट इट। आरएफ बोर्ड इसके बीच में आ सकता है, इसीलिए उस फॉर्मूला से संबंधित सभी प्रूफ मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसे कोर्ट में सबमिट कर देना। ये फॉर्मूला किसी भी तरह लोगों के काम आए इसका ध्यान रखना। तेरे स्वाभिमानी हीरो की ये आखिरी इच्छा पूरी करेगा ना?